आप सबका इस्तकबाल है PNS न्यूज में। आज जलपली म्यूनसिपैलिटी के इलाके मराठा भवन फंक्शन हॉल में महेश्वरम MLA एजुकेशन मिनिस्टर सबित्रा रेड्डी के हाथों आज 234 कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम की गए और इस मौके पर जलपली म्यूनसिपैलिटी चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, कमिश्नर जी परवीन कुमार और वार्ड नंबर 16 काउंसलर बुधमाला यादगिरी के अलावा दीगर काउंसलर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे अनवर उल हक की ये खबर पेश है। ताज़ा अपडेट्स के लिए PNS न्यूज़ को ज़रूर फॉलो करें। देखो खालिद भाई जोड़ो इकबाल भाई नमस्ते। शादी मुबारक। तो इस मीटिंग को आली जनाब वाइस चेयरमैन प्रणनाथ और रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर रविंद्र रेड्डी साहब, तहसीलदार हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब और म्यूनसिपल कमिश्नर जी परवानी मैडम जो है कोरोना के पीरियड से लेकर अब तक आप लोग देख रहे हैं ये साल पूरा 2020 जो चल रहा है मेहनत कर 300 ट्रक जलपल्ली म्यूनसिपालिटी को आज 3 करोड़ चिल्लर अमाउंट चक्रा डिस्ट्रीब्यूट करते और उसी तरह हमारे मसीहा केसिया साहब भी हर घर को हर गरीब जो बारी में डूबे हुए घरों को भी 10,000 रुपए देकर हर हमारे गरीबों की गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गारु ఆడబిడ్డలు పెళ్లి చేస్తే ఎంత కష్టం ఉంటుందని తెలుసు కాబట్టి ఆ తల్లిదండ్రులు కూడా కష్టం ఏందో అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఈరోజు ప్రతి ఆడబిడ్డ పెళ్లికి 100,000 రూపాయలు ఇవ్వాలనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన। దాంట్లో భాగంగా కరోనా వచ్చి 8 మంత్స్ నుండి 8 నెలల నుండి ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నా మీకు అందాల్సిన చెక్కులు మాత్రం జాప్యం జరగద్దు। ఏదైతే పేద వాళ్ళకి మధ్యతరగతి వాళ్ళకు ఇస్తున్నామో ఇది ఈ సంక్షేమం ఆగొద్దు అనే ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। మన బాలాపూర్ మండలంలో ఇప్పుడే నేను ఇచ్చి వచ్చినాను, వడపేటలో కూడా దాదాపు 270 మందికి అక్కడ ఇచ్చున్నాం, 204 ఇక్కడ ఉన్నారు, ఆల్మోస్ట్ 400 పై ఇచ్చింది। అస్సలాం అలైకుం రహమతుల్లాహి వబర్కాతు। आज जलपल्ली म्यूनसिपल्टी में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवीसी साहब की हिदायत पर और ऑनरेबल मिनिस्टर मैडम की हिदायत पर बालापुर MRO की जानिब से यहां पर मराठा भवन में 264 चेक्स शादी मुबारक के बांटे गए हैं। तमाम लोगों के हैंडओवर के लिए कर दिए गए हैं वो चेक्स। और जो CM रिलीफ फंड जो 10,000 रुपये जो हर घर में सर्वे करके जहाँ जहाँ पानी आया वहाँ पर ऑफिसर जाके सर्वे करके जो 10,000 रुपये दिए वो स्कीम फिलहाल टेम्पररी बंद है। वो स्कीम चालू होने के बाद जिसको नहीं मिला, जिसके अब तक नहीं पहुंचा पैसे, उनको भी वो पैसे मिलेंगे। आप बेफिक्र रहिए, इत्मीनान में रहिए, गड़बड़ी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके पैसे आप तक दिलाएंगे कैसा भी इंशाल्लाह। जो मुतासर इलाके हैं, जो स्लम एरिया है, वहाँ पर भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे, आके सर्वे कर हैंड ओवर आपको चेक देंगे 10,000 रुपये का या कैश देंगे। अभी ऐलान ये हुआ है कि वो स्कीम को बंद कर दिया गया है, इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो स्कीम को चालू कर फिर से वो डिस्ट्रीब्यूशन का 10,000 का चालू किया जाएगा। इसमें आपको कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई ब्रोकर से आपको रब्ता करने की ज़रूरत नहीं है। एरिया काउंसलर से रब्ता कीजिए, वो आपको इस चीज़ की डिटेल देगा कब ये चालू होगा। इंशाल्लाह हम जितना हो सके उतना आपके घरों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे।